की पत्नी मर गई तो हाँ उसने एक चित्रकार को बुलाया, बोले यार मेरी लुगाई का एक बढ़िया सा चित्र बना दे। हाँ बोले ऐसा चित्र बनाऊंगा चित्र बोल उठेगा। बोले फिर रहने दे। नहीं बहुत बेचारी बोलती थी। कहां तक बचे आदमी भाई, सही बोले चित्र तो मोदी जी तर्क गजब देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अभी जब चुनाव हुआ उन्होंने जगह जगह भाषण दिया था, 70 साल से विकास नहीं हुआ, 70 साल से विकास नहीं हुआ, इस चक्कर में अपने 3 साल भी जोड़ लेते हैं। वाह अरुण वाह। अब प्रेम की स्थिति ऐसी है कि अभी कोरोना काल में तो स्थिति बड़ी भयानक थी, वो 3 महीने जो लॉकडाउन लगा, पत्नी मेरा चेहरा देखे मैं पत्नी का, ओहो हो हो, हमारा काम हर दूसरे दिन सूटकेस लेकर निकलने का, वो 3 महीने हो गए लगातार घर में पड़े हुए, मैं अखबार पढ़ रहा, पत्नी इधर से उधर घूम रही और बड़बड़ा रही, बोले पता नहीं ये बीमारी कब जाएगी। पता नहीं रहता, मुझे कह रही है कोरोना को कह रही है। मारवाड़ी आदमी मंदिर जाता है तो चप्पल ऐसी जगह रखता है जहां से भगवान भी दिखे और चप्पल भी दिखे, क्योंकि उसको पूरा भरोसा होता है कि भगवान तो कल भी यहीं मिलेगा, चप्पल का क्या भरोसा। अब बात है मुझे, मैं पूछना चाहती थी कि अक्सर माना जाता है कि बिहारियों को सरकारी नौकरियां बहुत पसंद है, प्राइवेट नौकरियां क्यों नहीं पसंद होती उनको? नौकरी समझिए सरकारी और प्राइवेट। हाँ। भाई प्राइवेट नौकरी मतलब हाँ। जिसे काम बुखार के बावजूद करना पड़े। ओ अच्छा, और सरकारी वो जिसे काम देखते ही बुखार आ जाए। इसीलिए भी। और मुझे तो एक लड़की पसंद आई तो मैंने उसे प्रपोज किया तो उसने कहा कि तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं है ना, मैंने कहा नहीं, बोले फिर मेरे घर वाले मानेंगे नहीं। मैंने कहा सुनो मेरी हो गई ना तो मेरे नहीं मानेंगे फिर। आता कुछ नहीं भैया, लुगाई बहुत परेशान कर रखा है। तो एक दिन अगले ने ससुर साहब को फोन मिला दिया, बोले ससुर जी बहुत प्रॉब्लम है। ससुर जी ने पूछा क्या हुआ? बोले जो आपने ये प्रोडक्ट हमको दिया है ये बहुत खतरनाक है, इससे मेरी निभ नहीं पा रही है। ससुर जी की आंखों में आंसू आ गए, बोले निभा ले बेटा निभा ले, मैं 30 साल से इस फैक्ट्री से निभा रहा हूँ जिसका प्रोडक्ट नहीं तो निभा पा रहा। एक दिन मैंने पूछा दद्दू थोड़ा सा बुढ़ापा आ गया क्या? तो बोले तुमने कैसे जाना कि बुढ़ापा आ गया, तुमको पता है कि बुढ़ापा कैसे आता है? मैंने कहा कैसे आता है? बोले बाल सफेद हो जाए तो इसका मतलब बुढ़ापा आ गया। हमने कहा पता नहीं। बोले नहीं बिल्कुल नहीं आया। बोले सर गंजा हो जाए इसका मतलब भी बुढ़ापा नहीं आया। बोले अगर दांत भी टूट जाए इसका मतलब भी बुढ़ापा नहीं आया। चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाए इसका मतलब भी बुढ़ापा नहीं आया। तो मैंने कहा दद्दू फिर बुढ़ापा कैसे आता है? तो बोले जिस दिन घरवाली शक करना बंद कर दे, समझ लो काम तमाम हो गया। उसी दिन समझ लो कि आदमी बेकार हो गया, बुढ़ापा आ गया। इन दिनों भी कुछ लोगों के यहाँ रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो गया तो भाई के घर एक भांजा आ गया। अब अकेला मामा भांजा एक घर में, मामा 7 रोटियां सेंकता 5 खुद खाता 2 भांजे को, 7 रोटियां खुद सेंकता 5 खुद खाता 2 भांजे को। 15-20 दिन जब ये क्रम चला तो भांजा एकदम कमजोर सा हो गया और सुबह भांजे को उठाए उठ लेटा रहता है, चल दौड़ लगा, कितना कमजोर हो गया है। भांजा बेचारे भूखे पेट कहाँ दौड़ लगाता। एक दिन सुबह ही सुबह ले गए, बोले चल दौड़ लगा, भांजा भी साथ में। तो सामने वहीं सड़क के किनारे एक मरियल सा कुत्ता पड़ा था, बोले देख रहा है इस कुत्ते को, बिल्कुल तेरी तरह है। भांजे ने मुंह की तरफ देखा, बोले लगता है साला ये भी अपने मामा के यहाँ रहता है। बोले मैं पिछले 35 साल से हर दिन 2 घंटे गीता का उपदेश सुनता हूं। तो सामने बैठे कई सारे नए कवि भावुक हो गए, 2-4 उठे हाथ जोड़े, बोले मैं सच कह रहा हूं मैं 35 साल से लगातार 2 घंटे गीता के उपदेश सुनता हूं। तो एक श्रोता गया उसने पैर पकड़ लिए तो सुनली ने एक कान के नीचे मारा, बोले भावुक मत हो गीता मेरी लुगाई का नाम। तो आदत है, एक बस कंडक्टर की शादी हुई तो उसकी आदत थी कि उधर खिसक जा दूसरी सवारी बैठेगी। नई दुल्हन आई, कमरे में प्रवेश किया और बोला उधर थोड़ा खिसक के बैठ, एक सवारी और आनी है।
पहले दिन ही गुरुजी ने बोला, जो बच्चे आज एडमिशन लिए हैं एक बैठी हुई गाय का चित्र बनाएंगे। हाँ, मैं सुना नहीं ध्यान से, मैंने खड़ी हुई गाय बना दी। मास्टर छड़ी लेकर के गाय सबकी चेक कर रहे थे, हमारे गाय तक पहुँचे। बोले बेटा हमने बैठी हुई बोला था, ये खड़ी क्यों बनाई? मैंने कहा सर जब मैंने बनाया था तभी बैठी हुई ही थी, ये आपके हाथ में छड़ी देख करके खड़ी हो गई है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं, आपकी छड़ी का ही योगदान है। अध्याय समाप्त हुआ। बैंक वाले, इनकी आदत कभी भी जाओ लंच ब्रेक चल रहा है। मुझे कभी कभी लगता है कि विजय माल्या लोन चुकाने आया होगा। बढ़िया बढ़िया, वाह वाह वाह। तो उन्होंने बोला, बोला अभी लंच ब्रेक चल रहा है, और वो लंच ब्रेक इतना लंबा चला कि ये इधर से लंदन चला गया। मंदोदरी ने कहा, हे राम, मैं रावण की दुर्भाग्यशाली पत्नी मंदोदरी हूँ। राम ने कहा, माँ मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, आपका पति बड़ा तेजस्वी था, महाज्ञानी था, उच्च कुल में पैदा हुआ, ब्रह्मा का वंशज था, लेकिन उसने अनीति की थी इसलिए मुझे उसको मारना पड़ा। मैं आपके इस शोक के लिए क्षमा चाहता हूँ। मंदोदरी ने कहा, मैं इसलिए नहीं आई कि मैं तुम्हें कोसूं। राम ने पूछा, फिर किस लिए आई माँ? मंदोदरी ने कहा, मैं देखने आई थी कि जिसने पूरी दुनिया पराजित कर दी, जिसने तेरे पूर्वज मानधाता तक को स्वर्ग में जाके चुनौती दे दी, जो कुबेर को कालर से पकड़ के नीचे ले आया, उस महापराक्रमी को हराया किसने? ऐसा उसमें क्या है जो मेरे पति में नहीं था? तो राम ने पूछा कि माँ आपको पता चला क्या है? बोले हाँ पता चल गया, आने से पहले ही पता चल गया। राम ने पूछा क्या अंतर है? बोले राम, एक मेरा पति था जो मेरी जैसी सुदर्शना होते हुए भी तेरी पत्नी चाहता था, एक तू है कि पीठ पर से भी परस्त्री की छाया पड़ी है तो उठकर खड़ा हो गया है, ये उसमें तुझमें अंतर। एक भ्रष्ट नेता को एक सांप ने डसा, एक भ्रष्ट नेता को एक सांप ने डसा, नेताजी मजे में सांप चल बसा। ये सुनकर सपेरा हमें डांटता है, कहता है भाई क्या एक सांप कभी दूसरे सांप को काटता है। मैं मुंबई में रहने लगा तो वहां पे ऑटो में 3 सवारी से ज्यादा नहीं बिठा सकते। अपने वहां पे देखो आप, ऑटो वाले की खुद की सीट पे 4 सवारी बैठती है और वो गरीब निकल के बैठता है ऐसे। अच्छा, उसकी गरीब की इतनी आदत हो जाती है कि जब उसकी ऑटो पूरी खाली होती है तब भी वो ऐसे ही बैठ के अल्ताफ राजा के गाने सुनेगा। अच्छा, इस बेचारे के गाने की इतनी आदत हो गई कि जब इसकी शादी हुई तो रिसेप्शन पे जो सोफा लगा था वहां भी ऐसे ही बैठा। तो वो घरवाली ने कोनी मार के बोला, बोला कम से कम यहां तो ढंग से बैठ। बोला काय का बैठ, अभी 4 सवारियां और फंसेगी। और आरती मैम, मैं तो आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, और खासकर आपकी हंसी का। थैंक यू। मैंने एक बार इनसे पूछा जी कि मैम आप इतना हंसती क्यों है, वो इस बात पर भी हंसने लगी। और वैसे आपकी हंसी और मुंबई की बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। वाह 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 वाह। वैसे देखिए, बारिश और शादी ये दोनों शुरू शुरू में ही अच्छी लगती है, बाद में किच 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 होती रहती है। और देखो यहाँ पे क्या है, 1 घंटे बारिश होती है, खूब पानी भर जाता है, फिर 10 मिनट में पूरा पानी साफ। हमारे यहाँ पे 1 घंटे बारिश हो तो सड़क साफ। हम यूपी और बिहार वालों की बस एक चीज है कि हम लोग गुटखा बहुत खाते हैं। हाँ, मुझे तो यहाँ पर भी कई लोग मिल गए साहब। हम लोग इतना गुटखा खाते हैं कि अगर हमें 1 महीने के लिए ताजमहल पर छोड़ दिया जाए तो लाल किला बनाकर लौटेंगे।